एक तरफ जहां हर कोई ईशा मालविया और समर्थ जुड़ैल को अभिषेक कुमार को पोक करने पर टोक रहा है, तो वहीं इसके बाद ईशा की मॉम अब अपनी बेटी के ही फेवर में आ गई है। जी हाँ, अपनी बेटी को समझाने, उसकी गलती बताने की बजाय ईशा की मॉम का तो कहना है कि अभिषेक पर लीगल एक्शन होना चाहिए। वेलियस थाने कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है ईशा मालविया की माँ। ईशा की मॉम ने अपनी बेटी के नाम एक पोस्ट करते हुए लिखा, ईशा को हर बार इस लड़के ने बेरहमी से कैरेक्टर असेसिनेट किया है, मुझे भी नहीं बख्शा। ये गेम मेंटल स्ट्रेंथ का है। इतना ट्रॉमेटाइज्ड थे तो पता था ईशा आने वाली है, तो फिर क्यों गए बिग बॉस शो में? लीगल एक्शन बनता है ऐसी हरकतों पर। अब भी हम चुप हैं सिर्फ और सिर्फ ईशा के लिए। शेम ऑन यू हर बार ईशा को बीच में लाने के लिए। और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो एग्रेसिव नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ईशा मालविया की मॉम ने कहा कि अभिषेक पर लीगल एक्शन बनता है। ईशा की मॉम ने अभिषेक के एग्रेसिव नेचर को कॉल आउट किया। ईशा मालविया की माताजी, क्या आपने नहीं देखा? आपने नहीं देखा कि आपकी बेटी ने किस तरीके से अभिषेक को मेंटल कहकर उन्हें मेंटली टॉर्चर किया, उन्हें मेंटली हरास किया? इस पर क्या कहेंगी आप? और अगर आप थाने जाएंगी ही अभिषेक कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करवाने, तो फिर आप अपनी बेटी के खिलाफ भी डिफामेशन, यानी कि किसी की छवि को खराब करना और साथ ही साथ किसी को मेंटली हरास करना, इसे लेकर भी शिकायत जरूर दर्ज करवाइएगा। क्योंकि जब थाने जा ही रही हैं, तो दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज होनी चाहिए ना। दूध की धुली तो आपकी बेटी भी नहीं है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।